फीमेल हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होने की क्या वजह है, क्या की पॉइंट्स हैं कि हम इनको बैलेंस कर सकते हैं थ्रू एक्यूपंक्चर, हेल्दी लाइफस्टाइल और आपकी एक हेल्दी डाइट के ज़रिए, और इनके जो है डिस्टर्ब होने से फीमेल्स में क्या क्या इश्यूज जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ डॉक्टर साइमा ज़हूर एंड आई एम डूइंग माय प्रैक्टिस एज अ क्लिनिकल एक्यूपंक्चरिस्ट एंड एक्सपर्ट ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन। सो आज का टॉपिक जो है वो फीमेल हॉर्मोन्स के बारे में है। आज हम आपको बताएंगे कि फीमेल के हॉर्मोन्स जो हैं बेसिकली वो किस वजह से डिस्टर्ब होते हैं और इनके क्या की पॉइंट्स हैं कि हम इनको किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, प्लस ये है कि इनके इम्बैलेंस होने से फीमेल्स यूजुअली कौन से जो हेल्थ के इश्यूज हैं उनको फेस कर सकती हैं अपनी लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में। सबसे पहले तो बात ये करेंगे कि हॉर्मोन्स की जो सिक्रीशन है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए एक्यूपंक्चर का क्या रोल है और ये किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है। एक्यूपंक्चर जो है ये एक होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि ट्रेडिशनल मेथड है ट्रीटमेंट का, जिसमें हम आपके हॉर्मोन्स की अगर बात करें तो उनको दो या तीन तरीके होते हैं हमारे हॉर्मोन्स पे काम करने के, जिसमें ये है कि आपकी हेल्दी डाइट को मैनेज करके आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को भी मॉडरेट किया जाता है, और उसके अलावा जब हम एक्यूपंक्चर परफॉर्म करते हैं तो आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम है बेसिकली हम उस पे काम करते हैं, क्योंकि वी हैव टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन द बॉडी सिस्टम। तो उसके लिए हमें होम्योस्टेटिस जो है वो क्रिएट करना होता है बॉडी में, जिसके लिए हमारे स्पेसिफिक जो है स्कैल्प एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स होते हैं, जिसमें हम आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको उसके कनेक्शन को जो है नॉर्मलाइज और रेगुलाइज करते हैं ताकि आपके हॉर्मोन्स की सिक्रीशन को बेहतर बनाया जा सके। अब ये कैसे डिफरेंट है दूसरे जो ट्रीटमेंट है उनसे? नॉर्मली हम ये देखते हैं या सुनते हैं कि लोग हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस की जब बात आती है तो यूजुअली ये कहा जाता है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल या अगर डाइट का इंटेक करेंगे तो आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो नेचुरली बैलेंस होते हैं, और उसमें कोई शक नहीं कि ऐसे होता भी है। बहुत फ़र्क पड़ता है अगर हम अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज रखते हैं या अपने जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनको इम्प्रूव करते हुए हम एक हेल्दी जो डाइट के पैटर्न को फॉलो करते हैं। मगर उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हॉर्मोन्स जो है बयक वक्त 3 से 4 हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से उन फीमेल्स को फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं या ओवेरियन रिजर्व होता है या उनको PCOS होता है, नींद के मसाइल होते हैं, माइग्रेन्स भी हो सकता है, इस तरह के बहुत सीवियर जो है फिज़िकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। सो बेसिकली जब हम सीवियरिटी को देखते हैं कि क्या सीवियरिटी है और क्या कॉज कर रहा है हॉर्मोनल इम्बैलेंस, तो उसको देखते हुए फिर यूजुअली जब रिपोर्ट्स देखी जाती हैं तो उसमें एक की बजाय कितने दो दो तीन तीन हॉर्मोन्स होते हैं जो बयक वक्त जो है वो अपसेट होते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। सो एक्यूपंक्चर जो है इसमें इस तरह से अपनी ट्रीटमेंट के अंदर एक यूनिकनेस रखता है कि चाहे हमारा पेशेंट वो फर्टिलिटी के साथ हो, चाहे वो हमारी पेशेंट PCOS से हो या किसी और माइग्रेन के इश्यूज से, जब हम हॉर्मोन्स पे काम करते हैं बेसिकली तो हमारा एक स्पेसिफिक स्टाइल है जिसमें हम स्कैल्प एक्यूपंक्चर को परफॉर्म करते हैं, जो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है एक्टिवेट करता है और आपके हॉर्मोन्स की सिक्रीशन को नॉर्मलाइज और रेगुलाइज किया जाता है। सो ये तो एक प्रोसीजर हुआ जो कि हम परफॉर्म करते हैं जर्नली फॉर द बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स। सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जिसको हम कभी भी जो है इग्नोर नहीं करते, वो आपकी हेल्दी डाइट है और इसके साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल है, जिस पे हम ज़रूर पेशेंट को जो है एक वे ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल का पैटर्न बना के देते हैं ताकि उसको पता चल सके कि वो अपनी ईटिंग हैबिट्स, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स और अपनी डेली रूटीन को किस तरह से हेल्दी बनाते हुए
एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए अपनी हेल्दी गोल अचीव कर सकते हैं। सो बेसिकली एक्यूपंक्चर एक सेफ मोडलिटी है जिसमें हॉर्मोन्स को नेचुरल तरीके से बैलेंस किया जाता है। बहुत फ्यूअर नीडल्स होती हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होती, ना ही ये पेनफुल होता है। और इसके साथ जो है फीमेल्स के बहुत सारे इश्यूज छोटे छोटे जिनके साथ वो फाइट कर रही होती हैं साइलेंटली, उनको हम सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज मेरी इस वीडियो से एक्यूपंक्चर से हम किस तरह से हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में अवेयरनेस होगी। अगर आपको एक्यूपंक्चर के बारे में कोई भी मालूमात चाहिए या आपको मेरी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।